में हो सकता है। मार लीजिए, आसान नहीं होगा। चलिए जितने भी दर्शक हैं पूरब की दिशा में, अब लोग काफी सामने आ रहे हैं भाई, दूर से भी उतना ही दिखाई देगा, सामने से भी उतना ही दिखाई देगा। थोड़ा से अनुशासन को फॉलो करें। घर के आगे में जितने भी दर्शक हैं आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। उड़ा भाई एक रेन उड़ाते ना यार, सारे जितना भी आप पे दुबे के कौन को बेहतरीन मैच अभी तक इन्होंने खेला है सर, और शुरुआती छत पर एक स्कोर दागने में सफल हुए की बात करें तो बिल्कुल एक गोल की बढ़त बनाकर टॉपनो एफसी की टीम ने संकेत कर दिया है कि आप थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर खेलना होगा और इतना आसान भी नहीं होगा। फिर से एक बार 10 नंबर धीरे से अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाने की कोशिश से 10 नंबर के पोशाक में अपन देख रहे हैं साल खान सोरेन, बड़े खिलाड़ी मैदान में। फिर से एक बार सुनील सोरेन थोड़ा सा निराश रहेंगे। 12 नंबर एक्स प्लेयर एफसी और इसी के साथ असिस्टेंट आरवान करम मुंडा जी संकेत करके गेंद बाहर। छोटा सा किक अपने साथी खिलाड़ी को सुंदर सा प्रयास। 14 नंबर गेंद को क्लियर करने की कोशिश लेकिन गलत कर बैठे। इस बार फिर से 12 नंबर तेज गति से गेंद को ले जाते हैं, इस बार क्या रोक पाएंगे या 8 नंबर में क्या कालीपद सिंह क्या कोशिश किया था अपने ऐसे ऐसे खिलाड़ी कालीपद जैसे सुनील सोरेन जैसे साल खान जैसे खिलाड़ी को देख रहे हैं तो कहीं 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख रुपया के मैदान में भी देख रहे हैं। आज ने ये मैदान ऐसे खिलाड़ी का कदम चुमा है आज, लेकिन कब नहीं इस बार दूर से प्रयास, लेकिन गोलकीपर को मानना पड़ेगा जो कि रांगा प्रसाद हासदा बड़े गोलकीपर। और बात करें सर जो इस प्लेयर में भी इस प्रकार के खिलाड़ी हैं जो उसके जो जगत में उसके जो समय में इन्होंने भी एक अच्छी फुटबॉल की मैचेस को खेलते थे। आप बात करते हैं जर्सी नंबर 10 की बात करें या 9 की बात करें या जर्सी नंबर 8 की बात करें या जर्सी नंबर 12 चरण की बात करें हुकुम की बात करें उस प्रकार से या जो टीम ने भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, लेकिन थोड़ी सी तालमेल में कमी आई शुरुआती क्षण में हड़कड़ा गया टीम और उसके बजाय खुद के पैरों से इस पर
खाने में सफल हुए हैं, यानी खुद खाए हैं। मनीष है इस टीम में एक वीरेंद्र खिलाड़ी। इस प्रकार की दोनों की टीम की अगर तुलना करें तो इतनी कमजोरी की याद नहीं करना होगा, क्योंकि दोनों की टीम पर एक कला से भरा हुआ खिलाड़ी है। सुरेश सोए सुंदर से पास, जैसे नंबर 12 के लिए चरण सोए के लिए गेंद को डाला गया था, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाए। और लड़की गेंद ने पिछले से बात भरी का उत्तर फिर से एक बार जैसे नंबर 15 तो पुनः से जैसे नंबर 7 बेहतरीन तालमेल के साथ आगे कर गेंद को बढ़ाने की कोशिश है। तालीबाद जैसे नंबर 8 की बात करें, हमेशा की तरह आज भी एक अच्छे फुटबॉल के मैचेस को खेल रहे हैं, और अच्छे फुटबॉल के मैचेस को खेल करके अब तक एक स्कोर की बढ़ोतरी पर जो कलीचरण कलीपाल की टीम की जो बदली है, इन्होंने अगुवाई कर रहे हैं आगे की ओर। और उसकी स्कोर जो लेवल है, जो या जो तपुर एफसी की स्कोर लेवल है, उस लेवल तक किसी भी तरह से पहुंचने के लिए काफी कोशिश ही है इन प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से एक्सेक्ट प्लेयर एफसी ने जो दिखा दिए हैं, कुछ समय के लिए करना बड़ी मुश्किल है चरण दास जी। एक सेकंड एफसी के पास माइनस पास थोड़ा सा बिल्कुल दिखा दिए हैं कि आप हमें इतना आसान नहीं होगा, बड़े टीम है, धीरे सर इस बार मौका हो सकता है। एक प्लेयर ने एफसी को इस बार छोटा सा गेंद दो नंबर फिर से वर्कआउट करने में सुंदर जगह में इस बार मौका हो, लेकिन गेंद चली गई। मनीष की बड़ी गलती, मनीष एक उभरती हुई खिलाड़ी है, और ये जो उभरती हुई खिलाड़ी के पैरों से एक बड़ी गलती आई जो इस प्लेयर जैसे नंबर 16 के लिए एक चुनौती थे, लेकिन उसको उस प्रकार की गेंद देने की आवश्यकता थी जिस प्रकार की सटीक पास, लेकिन पास पर कोई क्लियरिटी नहीं दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल, 3 नंबर फिर से 8 नंबर के पास सुनील सोरेन को दिया गया सुंदर जगह में, और इस बार अपने साथी खिलाड़ी को इस बार मौका हो सकता है। 10 नंबर किया कटिंग छटिंग करते हुए अपने साथी खिलाड़ी को 7 नंबर के लिए फिर से एक बार गेंद को निकालने में सक्षम रहे। इस बार कहां पर डाला जाए गेंद, किस छोर में दिया जाए, चूज कर रहे कहां पर डाले, लेकिन उससे पहले एफसी के पास से मौका है वापसी होने के लिए, और निश्चित इस मैच का मैच रेफरी गुप्तेश्वर मुंडा जी। और इस खेल के तुरंत बाद यानी पहला जगह का अंतिम मुकाबला फर्स्ट डाउन के अंतिम गेम के रूप में श्यामलाल एफसी वर्सेस मनीष एफसी तैयारी कर लेंगे इस खेल के तुरंत बाद। बिल्कुल आपने सही कहा है, सटीक रहिए, तैयार रहिए, इस मैच के बाद आपका मैच होगा श्यामलाल एफसी वर्सेस मनीष एफसी। प्रथम चक्र का अंतिम मैच ग्रुप बी में से प्रथम चक्र का अंतिम मैच के तौर पर दो टीमों के बीच आमने सामने मैच खेला जाएगा। इस मैच के बाद इसलिए दोनों टीम के प्लेयर अपने खिलाड़ियों को मैच नहीं खत्म होने से पहले सेंटर सर्कल के करीब लाइनअप करा दे, अन्यथा समय पर कटौती किया जा सकता है। फिर से एक बार एक प्लेयर जैसे नंबर 10 मनीष के लिए गेंद को सौंपा है। मनीष ने सुंदर से पास से जाने करने के बाद जैसे नंबर 5 अच्छी फुटबॉल की मैच खेला जा रहा है, लेकिन अभी तक स्कोर की बात करें तो एक प्लेयर एक स्कोर से पीछे चल रहा है। चरा काम है, चरा है हर काम है, बड़ा थोड़े से टेकी लाई कली बात के लिए सुंदर से डिलीवरी आगे की ओर गेंद को बढ़ाने के क्रम में बैक की ओर गेंद को ढकेला है। साथी खिलाड़ी के लिए सुंदर से पास जारी किया फिर से एक बार जैसे नंबर 7 सुनील अच्छे कादे के साथ गेंद को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश है। अपने साथी खिलाड़ी को सपोर्टर को देखने निगाह में रखने का भी प्रयास रहा है। और सुंदर से की सामने विकास सोए हैं, तप्पा आसानी से बिट नहीं कर सकते, लेकिन ना जाने कैसे करके बिट हो पाए, छकमा खाए और बिट हुए नहीं, तो यह जो गोलकीपर है फिर से कला पूछाई आपको याद होगा, या फिर से कला पूछाई के एक महान गोलकीपर के नाम से जाने जाते हैं विकास सोए। आज बेहतरीन गोलकीपिंग के भूमिका पर नजर नहीं आए क्योंकि छकमा का बैठे हैं शुरुआती क्षण पर, और एक स्कोर की बढ़ोतरी पर जो यह सफेद कलर की जर्सी वाली टीम तो एफसी
इस वक्त एक निरंतर फुटबॉल की मैच को खेल रहे हैं। रोड पर किसी प्रकार की गाड़ी को पार्किंग ना करें भाई, इस रोड से बड़े बड़े बसों का आगमन हमेशा होता रहता है, इसलिए रोड पर एक्स प्लेयर अपने सात नंबर धीरे से अपने साथी खिलाड़ी को सुंदर सा पास 12 नंबर किया, लेकिन थोड़ा सा लुटा गया है। सुनील सोरेन गेंद को आगे बढ़ा दिए, इस बार मौका हो सकता है, बहुत ही अच्छा करीबी मामला, लेकिन सही दिशा नहीं और गेंद चली गई सीमारे का गोल लाइन के पास। ये आज चतुराई का काम किया था, ऐसा मौका फिर से आएगा या नहीं रखना बड़ी मुश्किल है। सुंदर सात नंबर, लेकिन गलत कर बैठे फिर से धीरे से अपने 10 नंबर फिर दो हो। 10 नंबर का अगर बात करेंगे जो कि साल खान सोरेन, थोड़ा सा गेंद को निकालने में और सक्षम रहे। रणनीति काली पदसी बड़े खिलाड़ी मैदान में 8 नंबर के पोशाक में देख रहे हैं आप, फिर से तौर पे काली पदसी के क्या सुनील सोरेन इस बार, लेकिन फिर से एक बार एक प्लेयर एफसी के खिलाड़ी इस बार गेंद को आगे बढ़ाए, मौका हो सकता है प्लेयर एफसी के पास, लेकिन वहां पर कुलदेसर मुंडा इस मैच का मैच रेफरी रजिस्ट्रेड रेफरी मैदान में, हमारे तमाड़ के चर्चित रेफरी बहुत सारा मैचों का अनुभव उनके खाते में चेंज है। आप पहले मैदान छोड़ेंगे उसके बाद ही आपके अतिरिक्त जो टेक्निकल एरिया में जो बैठे हैं अतिरिक्त प्लेयर वो आपका आएंगे। बिल्कुल आपने सही फरमाया सर, फुटबॉल के नियम के तहत यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। फिर से एक बार फॉल किक का अवसर मिलता हुआ, आज टीम की बात करें एक्स प्लेयर से कुछ समय पहले इन्होंने एक धीरेन्द्र प्लेयर थे और एक्स प्लेयर्स के नाम से आज यहाँ पर जाना जा रहा है। आज टीम की बात करें पीले कलर के जर्सी वाले टीम भाई, एक बेहतरीन फुटबॉल की मैच खेला है, एक्स खिलाड़ी होने के बावजूद भी इन्होंने एक रोमांच की फुटबॉल की मैच को खेला है, चरणजीत मेरे ख्याल से लग रहा है यहाँ पर बराबरी करने का अच्छा मौका है। ओ हो, आज इसी के साथ खोल की रंगा प्रसाद कलेक्ट करने में सक्षम रहे सुनील सरे, इस बार एक प्रयास करेंगे, ऐसे खिलाड़ी को हर जगह पर छोड़ना मुश्किल है। अगर आप किसी के घर को चोरी करने जा रहे हैं तो अपना घर को एक बड़ा सा ताला से ताला करना होगा, और इन्होंने उस दिशा पर आक्रमण करने के लिए सभी खिलाड़ी जा पर की। कहने का टप्पर, अगर किसी को अगर गोल लगने के लिए आप जाते हैं तो आपके जो डिफेंडर लाइन को मेंटेन करके रखना होगा, नहीं तो उधर से अगर किसी तरह से अगर गोल अगर निकल लेते हैं तो डिफेंडर लाइन को बीट करके आपके पांच पर स्कोर आ जाएगा, खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अरे वही हुआ, अभी भी समय है, दो गोल फुटबॉल की दुनिया में या मायने नहीं रखता, दो गोल दो सेकंड में हो सकता है, मार लीजिए, दो गोल दो सेकंड में हो सकता है। दो सेकंड में हो सकता है, दो मिनट में हो सकता है, लेकिन वो क्षमता अपनी
अपने बाजू पर रखना होगा। और कारू जैसे खिलाड़ी, अभी कारू और नागा जैसे खिलाड़ी अगर प्रवेश किए हैं एक प्लेयर के, एक आर्मी मैन की तरह एक रनर पर खेल रहे हैं, तो बेहतरीन और बेहतर होगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, अब जो खोल दिखाए हैं चरण जी, मेरे ख्याल से लग रहा है एक प्लेयर एफसी के खिलाड़ी, तो अब क्या होगा, ये प्रेशर बढ़ गया है। जिस प्रकार से टपनो एफसी के टीम दो गोल अर्जित किए थे, लेकिन उसके बाद एक प्लेयर ने, देखिए अब क्या होगा, एक प्लेयर एफसी, लेकिन कलिपत सिंह कुछ समय के लिए जरूर गेंद को रोका है और इस बार फिर से गेंद को आगे बढ़ा दिया। सुंदर जगह पे गेंद है, समानांतर बंटवारा जहां पर सुनील सोरेन नहीं पहुंच पाएंगे, सीधे एक्स प्लेयर एफसी के पास। इस बार अच्छी रणनीति एक्स प्लेयर एफसी को, लेकिन वहां पर गेंद चली गई सीमा रेखा आउटलाइन के बाहर। इस मैच का मेजर रेफरी गुप्तेश्वर मुंडा जी, असिस्टेंट आरवान करम मुंडा जी, आंट्रो रेफरी युवा रेफरी मैदान में। इसी के साथ धीरे से अपने साथी खिलाड़ी को सुंदर एक्स प्लेयर एफसी, चरण जी मेरे ख्याल से लग रहा है क्या होगा, करना बड़ी मुश्किल है जब तक हमारे मैच रेफरी की अंतिम सिटी नहीं बचेगी। इस बार गेंद के पीछे कालीपत सिंह, क्या एक्स प्लेयर इस बार मौका हो सकता है, काफी अच्छा प्रयास। तीन चार खिलाड़ी है, अपने ही खिलाड़ी वहां पर है, लेकिन गोलकीपर इतना आसान से भेदना मुश्किल होगा। इसीलिए की सोचे थे एक्स प्लेयर एफसी के पास सात नंबर, फिर से एक बार सुंदर जगह में अच्छी डिलीवरी, थोड़ा क्यों अपने साथ खिलाड़ी को माइनस पास करार दिए आठ नंबर एक्स प्लेयर एफसी, आठ नंबर दूर से प्रयास, सुंदर जगह में मौका बन सकता था, लेकिन वहां पर गेंद को क्लियर करने में सक्षम रहे टपरा एफसी के खिलाड़ी। ऐसे पर मनीष के छोर पर चरण ने गेंद को डाला है, मौका बन सकते हैं मनीष, काफी समय तक गेंद पर ड्रिबलिंग करने के बाद ये छीनने में सफल होता हुआ टपरा एफसी। नंबर सेवन गतिमान खिलाड़ी, गतिमान खिलाड़ी आगे की ओर गेंद को लेने के क्रम में, लेकिन काफी समय तक गेंद को होल्ड करने के बाद गिरते पड़ते, अभी भी उसके पैरों के नीचे गेंद। जस्ट नंबर सेवन बेहतरीन ने तरीके से बैक की ओर गेंद को ढकेला है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, सुंदर सा पास जाने के लिए सफल होता हुआ, लेकिन हुकुम है सामने गेंद को सीधी उसके जोन एरिया के करीब ढकेला है सुरेश सोए। कारों मौका बनाने के क्रम में टीम के एक धुरंधर खिलाड़ी एक्सपीरियंस चरण, छोटे कद के खिलाड़ी बने हैं लेकिन एक अच्छी फुर्तीली खिलाड़ी है भाई आज चरण चौहे, लेकिन सफल नहीं हो पाए और फिर से एक बार थोड़ी दो सर एक्सपीरियंस की टीम को। बेहतरीन फुटबॉल की मैच इस प्लेयर में, जिस प्रकार की अधिकतम 40 प्लस यानी 40 वर्ष से अधिकतम एज वाले खिलाड़ी की नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छी फुटबॉल की मैच को खेला है आज एक्स प्लेयर। बिल्कुल चरण जी मेरे ख्याल से लग रहा है एक्स प्लेयर ने एफसी के टीम ने कर दिखा दिया है, और अगर फिर से अगर ये गोल अर्जित कर लेते तो बराबरी पर आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या कर पाते हैं यहाँ पर टपरा एफसी की टीम। अभी कभी भी मामला हो सकता है, डेंजर जोन में गेंद है, अच्छा ठीक आया था लेकिन गेंद फिर से सिमा रेखा गोल लाइन के बाहर, और इसी के साथ साथ